वही कोटा जिले के सिमलिया थाना क्षेत्र में फोर लेन पर शुक्रवार को एक तेज रफ्तार वैन ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी है, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक सत्यनारायण निवासी लाठपुरा का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इसके तहत ही सिमलिया थाने के हेड कांस्टेबल मुकेश स्वामी ने बताया कि मृतक रग्गी गांव से अपने घर जा रहा था कि इसी दौरान एक वैन ने उसको टक्कर मार दी। उसे तुरंत 108 एम्बुलेंस से कोटा एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने वैन को डिटेन भी किया है, साथ ही पुलिस चालक की तलाश की जा रही है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। रुग्गी से गड़ेपान की तरफ आ रहा था, पीछे से तेज गति से आ रही वैन, जिसके नंबर के चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया। जो इलाज के लिए यहाँ आए तो मृत